हेलो दोस्तों, जय श्री राम। चलिए, आज हमारा काफी दिनों के बाद हमारा आज मौका मिला है कि आज हम कोई छोटा सा व्लॉग बनाएं। तो दिल्ली एनसीआर के पास ही पता चला कि ओखला बर्ड सेंचुरी नाम से काफी अच्छी जगह है, काफी अच्छी लोकेशन है। वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है घूमने की, नोएडा एनसीआर में नियर बाय, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। तो आज काफी दिनों के बाद मौका मिला है, तो आज मैं और मेरा भांजा दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। तो दिखाएंगे आप लोगों को वहाँ का नज़ारा, क्या हिसाब किताब है। बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। आज अपने भांजे के साथ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, दिखाएंगे आपको वहाँ पे कि क्या क्या हिसाब किताब है। काफ़ी अच्छे अच्छे छोटे छोटे पक्षी और सीनरीज वगैरह, वाटर वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मन को लुभाने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ओखला बर्ड सेंचुरी में, दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा और क्या अच्छी जगह, क्या शानदार जगह है भाई घूमने की। हम पहुंच चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में, देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। नज़ारा तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। साइड में अगर दिखाया तो इधर थोड़ी बहुत बड़ी नदी है, यमुना नदी। कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक दो पक्षी दिख जाए तो हम भी देख लेंगे। चलो भाई, चेक करो मजबूती बढ़ के पेड़ के। आओ गुरु जी, दोबारा बहुत मजबूत है पेड़ भाई, बहुत मजबूत है। तो झूला झूल सकते हैं आराम से, झूला झूल लो, लटक लो, ऊपर चढ़ लो, कमांडो ट्रेनिंग कर लो, सब हो जाएगा। अच्छा, तो भाई एक बार मैं भी चेक करूं जरा। अब यार रास्ता बहुत लंबा है, थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी गाड़ी वाड़ी का जुगाड़ होता ना, चाहे ई रिक्शा वगैरह का ही होता, किराया वगैरह लेके, ज़्यादा बढ़िया हिसाब किताब रहता। इधर ये फोटो वगैरह शूट करने के लिए है, इधर ये बनाया हुआ कैंप वगैरह टाइप पे, यहाँ पे फोटोज़ वगैरह शूट कर सकते हैं। गंगा चील, ओके। ये देखिए पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपनी यमुना नदी है, यमुना माता। ये आ गए हमारे दोस्त बच्चों, हमारे दोस्त थारा भाई जोगिंदर, आ जाओ नीचे आ जाओ। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, एकदम बिल्कुल शांति, पीस, बहुत ही ज़्यादा शानदार है ना। देखो हमें कितनी अच्छी चीज़ मिली, और कुछ तो है नहीं है। गिलहरी दिखा दें तुम्हें, तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्क्वायरल, ये रही। क्या करें जब और कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो यही दिखाते हैं। ज़्यादा नीचे मत जाओ, अगर गलती से फ़ोन वोन गिर गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर निकल जाएंगे सारे व्लॉग्स। बस बस बस, आसमानी छतरी उड़ा ली, आ जाओ ऊपर। ये मना कर रहा था ना नीचे जाने के लिए। ये गुरुजी उधर की तरफ से आ रही है और इधर की तरफ बहती हुई आ रही है ना? ये गलत, क्योंकि हमेशा जो नदी आपकी केवल दो नदियाँ छोड़ के सारी नदी पर पूरा बहती है। अच्छा, ये उल्टी धार के दिखा दे रही है, पानी कहीं रुका हुआ है और ये लौट करके आ रहा है इधर।
तो गुरु जी ये साइंस तो आप ही बता सकते हो, ये कहीं डैम लगा हुआ होगा वहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा, और फिर ये वापस किधर को आ रहा है? अच्छा अच्छा, ये इसका रीज़न हो सकता है। ये है लेजर विस्लिंग डक, और इधर है पेंटेड स्टॉर्क, यानी कि रंगीन जंगल जंगल ढोक। अभी देखा मैंने पीछे नहर में, पूछ नहर के अंदर से कोई एक लकड़ी सी निकली हुई थी, तो अगर हम वहाँ जाके लकड़ी को निकाल के देख पाएँ तो हमें पता लगे कि वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला काम थोड़ा जोखिम भरा है, तो मामा जी इस काम को कर सकता है, थोड़ा सा पतला लड़का है, तैरने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा बहाव हल्का सा तेज है, हो सकता है मैं कहीं बह सकता हूँ, तो मामा जी थोड़े मामा नहीं ट्राई करना चाहिए, कर सकते हैं। मेरे चैनल पे एजुकेशन और ब्लॉग्स ट्रेवल्स वगैरह सब कुछ कवर है, तो कभी कभी मौज मस्ती के लिए जाते हैं तो भाई ब्लॉग्स वगैरह भी डाल लेते हैं। बाकी एजुकेशन रिलेटेड, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, या आरटीओ से, या ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी न्यूज़, कोई भी लेटेस्ट अपडेट वो अपने चैनल पे डालते हैं। बट कहीं घूमने फिरने का मन होता है, कहीं जाना हो माइंड फ्रेश करने के लिए, या बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई अनुभव नया लेना हो, तो ब्लॉग्स डालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग अपने कहीं छोटे मोटे NCR में कहीं या आसपास कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स डालते रहते हैं। एक चैनल है ट्रैवल शैडो के नाम से, जैसे मेरा चैनल है टेक शैडो के नाम से, एजुकेशन और ट्रैवल दोनों हैं। एक और चैनल है ट्रैवल शैडो के नाम से, ये सिर्फ ट्रैवलिंग रिलेटेड ब्लॉग्स डालते हैं, बाइक्स वगैरह कोई नहीं आती है तो अपनी बाइक की स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, उनकी वीडियोज़ वगैरह शूट करते हैं। चैनल चेकआउट कीजिए, ट्रैवल शैडो के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ में कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी, कोई गाइडलाइंस वगैरह के बारे में, या कोई टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, आपको ट्रैवल शैडो में मिल जाएगी। जो चैनल का लिंक है वो भाई के चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी कोई भी किसी भी जगह की कोई लेटेस्ट खबर आती है, जैसे अभी उत्तराखंड की चल रही है, अनलॉक है या लॉक है, या क्या गाइडलाइंस है, क्या नहीं है, वैक्सीन जरूरी है नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अपनी जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे, बीमारी कम हो जाएगी, उसके बाद एक नए सिरे से राइड्स स्टार्ट होगी हमारी। तो जाइए एक बार चैनल को चेकआउट कीजिए। बात यह है कि ना, अगर यहाँ पे अगर पेड़ फलदार अगर वृक्ष लगे होते तो पशु पक्षी अपने आप ही आ जाते, नहीं पशु पक्षी भी आते और संग में इन्हें निवेश भी इनका अच्छा खासा होता है। इनकी इनकम ये टिकट ना लगा करके यहीं पे फल तोड़ तोड़ के अगर मंडी में ले जाके बेचते रहते तो मंडी में क्या होता है कि रेट भी पब्लिक को भी थोड़ा फायदा था और इनका तो था, और चार लोगों को काम और मिलता। काफ़ी हिस्सा यहाँ घूम के देख लिया, अभी तक तो फिलहाल एक भी सिंगल पक्षी कहीं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। हो सकता है खुले में है कहीं, पिंजरे वगैरह में बंद नहीं है, तो हो सकता है भाई इधर उधर गए हों, छुट्टी पे गए होंगे मामा के यहाँ, छुट्टी पे गए होंगे, देखते हैं कहीं दिख जाए। गुरु जी यहाँ ना होगा हिसाब किताब, कोबरा वोबरा जो आप बता रहे हो यहाँ हिसाब किताब नहीं होगा। एक और पक्षी के देखो बस फोटो। अंजीर नाम ही नाम लिखे हुए हैं, ना तो कोई पक्षी ना कोई जानवर, दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं। पक्षी तो छोड़ो, आवाज़ भी नहीं है कहीं, बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ देखते रहो। टूटेगी ना, बहुत मजबूत है, इन्हीं से तो रस्सी बने, ऊपर भी चढ़ सके अगर कमांडो ट्रेनिंग आती होगी तो। बस बस उतर जा, नीचे चोट लग जाएगी। यहाँ नहीं है भाई कहीं भी दूर दूर तक, पक्षियों का तो नामो निशान भी नहीं है, बस खाली फोटो में दिखाने के लिए। क्यों इंजीनियर साहब? यस, कहीं एक भी पक्षी दिखा? देखो मुझे दो तीन पक्षी दिखाई दिए, वो भी उनकी फ़ोटो। देखो बस तीन चीज़ों पर फोकस है, मास्क लगा लो, सोशल डिस्टेंस कर लो, और सैनिटाइज यूज कर लो। लगा लो इसी बात पे मास्क। पक्षी तो एक बार अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए, केवल लोगों की भीड़ है। भीड़ में अब क्या कहें, कुछ कह भी नहीं सकते।
सबसे एक ब्लॉग मिला उसका लिखा हुआ है बहुत अच्छी चीज देखने को मिली यहाँ पे, एक अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, इसको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वन्य जीवों एवं पक्षियों के साथ छेड़छाड़ ना करें, जब दिखाई नहीं दे रहे तो छेड़छाड़ काहे की करेंगे, एक दो कोई दिखाई दे तभी तो जाके छेड़छाड़ करें उनसे, जब यहाँ पक्षी और जानवर है ही नहीं तो छेड़छाड़ किससे करेंगे, आपस में छेड़छाड़ करेंगे क्या। देखो पर एक चीज़ है, घूमने की जगह ठीक है, कहीं अकेले में बैठ जाओ आराम से, शांति का माहौल है, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से बैठो। दोस्त बुला रहा है, देखते हैं पता नहीं क्या दिख गया क्या मिल गया, कुछ नया ही होगा, अनोखी चीज़ यहाँ की। क्या मिल गया है? ओहो एक पक्षी मिला, कहाँ है पक्षी? कहाँ है पागल बना रहा है? अच्छा अच्छा वो दिखा बहुत दूर, उसके लिए थोड़ा सा नीचे मुझे उतरना पड़ेगा, ये पानी है पर नीचे नदी है पूरी, देखता हूँ हल्का सा उतर के देखता हूँ। ले वो भी भग गया, चला गया वो भी चला गया, एक नीलकंठ टाइप कोई चिड़िया दिखी थी वो भी चली गई। तितलियां हैं, बेरी के पेड़ हैं, पक्षियों की फोटो है, और अच्छे अच्छे स्लोगन्स हैं, पक्षियों और जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो छेड़छाड़ किसके साथ करेंगे, पड़ोसी के साथ। एक फोटो इधर, सिर्फ फोटो ही फोटो है इधर, ये इनके साइड में पूरी नदी ही नदी है। यहाँ क्या चीज़ है नीचे, रास्ता है ऐसे ही है झाड़ियाँ बढ़िया झाड़ियाँ। फीलिंग बताओ अपनी, फीलिंग कैसी लग रही है यहाँ के? बिल्कुल बकवास। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आपने वो स्लोगन पढ़ा जो वहाँ लिखा हुआ था, पक्षियों और जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें? देखो मैंने स्लोगन तो पढ़ा, बट जब पक्षी न जानवर न कुछ नहीं है तो किसके साथ छेड़छाड़ करें? एक दो तो छोड़ने चाहिए ना, पर एक बात आ तभी तो स्लोगन काम करेगा कि पक्षियों जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें। तभी मैं बस चारों तरफ पक्षियों के लिए ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर, चश्मे लगा रखे हैं हाई मैग्नीफाइड ग्लास हैं, देखो चश्मे साफ करें आज पूरे दिन, बाल कटवाएं, देखो मैं शेविंग करा के आया हूँ। खाली रोड, सुनसान रोड, विदाउट एनी पक्षी, विदाउट एनी एनिमल, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, क्या करते जाओ? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, फोटो देखते जाओ, फोटो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है फोटो, एकदम HD क्वालिटी में है, हरियाली भी बहुत है ऐसे भी हो रहा है। किसकी आवाज़ आ रही है? एक सेकंड, अब जाके कुछ दिखा है, देखता हूँ जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा देखिएगा ये इधर सामने है, ये कहाँ गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो उसी रंग का है ये दिखाए बस, नेवला दिखाऊंगा भी। एक ये है और कहाँ गया नेवला, ये रहा इधर नेवला, ये अंदर की तरफ जाता हुआ बहुत मोटा, और एक और अभी दिखाई दिए थे रंग बिरंगी से, उड़ गया वो, दूर उड़ गया, बस यही है। एक ये छोटी सी चिड़िया कहाँ गई, ये बैठी बस, इतनी तो हमारे घर पे ही मिल जाती है। नेवला कहाँ चला गया? नेवला अंदर अंदर भग गया, कौवा भी है, कौवा कौवा देखना चाहो तो कौवा भी देख सकते हैं, ये तो बहुत है हमारे घर के आसपास, इन्हें देख उड़ रहे हैं, इसके भी भाव है, ये भी उड़ के भग गया, भाव सबके बड़े हुए यहाँ पे। वो दरअसल एक्चुअली मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि किसी को कैद तो करके नहीं रखा गया है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि किसी भी पक्षी को किसी भी जानवर को कैद नहीं करके रखा गया, उनको पिंजरे में नहीं बंद करके रखा गया, लोगों को दिखाने के लिए, उनसे टिकट वसूल करने के लिए, ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी भाई, जिसको जैसे जिस तरीके से नेचुरली दिख जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घूमने की जगह शांति का माहौल है, घूम लीजिए आराम से एंजॉय कीजिए।
ठीक है पक्षी नहीं दिखे, नहीं दिखे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे कि हाँ पशु पक्षी जितने भी है सबको फ्री छोड़ा गया है, एक तरीके से जंगल ही है अंदर पूरा, सबको फ्री छोड़ा गया है, अपने आराम से ज़िंदगी जिए, क्यों किसी को पिंजरे में कैद करके रखा जाए, ये बहुत अच्छी बात लगी, ये ठीक है। पानी के ऊपर यहाँ पे ये पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, अगर हम इनके अंदर जा पाए, इनको हटा के देख पाए तो पता चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा जाके यहाँ देखें तो तब पता चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे किसी एक्सपीरियंस बंदे को जाना चाहिए, एक्सपीरियंस बंदे को जाना चाहिए, एक्सपीरियंस को लें। गुरु जी को सादर प्रणाम, और आपका क्या एक्सपीरियंस है गुरु जी, कुछ दिखाई दिया कुछ एक आध पक्षी? देखिए ऐसा है कि इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हाँ, और जो पक्षी होते हैं ये हमेशा ठंडे ठंडी जगह पे जाना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं ठंडे वातावरण वातावरण में। पानी भी यहाँ भरा हुआ है, वरन यमुना जी का पानी है, लेकिन जो पानी है ये स्थिर है, स्थिर पानी होने की वजह से जो पक्षी हैं वो उमस की वजह से, जो पानी स्थिर है इसलिए उमस हो रही है, तो पक्षी यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। पक्षी अधिकांशतर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ या तो भाग गए हैं, चले गए हैं, या फिर जो उत्तराखंड या जो ठंडे जहाँ प्रदेश हैं वहाँ चले गए हैं। जब 2 महीने बाद फिर यहाँ की जो वातावरण होगा सर्दी, हाँ सर्दी का मौसम आएगा, वो देखने लायक होगा। यहाँ पे तरह तरह के यहाँ तक कि विश्व तक के पक्षी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो हमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की वो पक्षी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया बात तो गुरु जी यहाँ ये लगी कि किसी भी पक्षी को किसी भी जानवर को कैद करके नहीं रखा गया, सब फ्रीली घूमते हैं, जिसको जो दिख जाए उसकी किस्मत है। नहीं वो तो ऐसा होता है कि जब हम उसे खाने को यहाँ मिलेगा, जब हम बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पे जो डालते हैं, जो जलमंजनी है इसमें बहुत से फ्रूट्स इस तरह डालते हैं जो पक्षी आके खाते हैं, तो जहाँ पे पक्षी को भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, कोई भी हो चाहे हम लोग हो या पक्षी हो, कोई भी जहाँ पे हमें भरपेट भोजन मिलेगा, रहने के लिए सही जगह मिलेगी, पानी पीने को मिलेगा, तो वहाँ जाना पसंद। जैसे संगम में होता है, संगम में जैसे नदियों के ऊपर वो तो पक्षी, उनको नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, वो घूमते रहते हैं, उनके लिए नमकीन वगैरह लेके जाते हैं वहीं पर डाल देते, वो हमेशा वहीं पर रहते हैं उसी मौसम के इलाके में। ऐसे यहाँ पे चलिए, टिकट का हिसाब किताब है 30 रुपये पर पर्सन। गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी, पार्किंग की यहाँ खासकर जगह नहीं है, ना बाइक ना गाड़ी, किसी भी तरीके की किसी की भी पार्किंग की सुविधा यहाँ पे नहीं है, तो अपना उसी हिसाब से मेट्रो वगैरह से आइए आराम से। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सामने है, बिल्कुल ईजीली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ वाहनों की थोड़ी सी पार्किंग की दिक्कत है। आए हो तो कहीं निकल जाओ, मुंडा सफ़ेद मुज्जा यहाँ ये एक भी नहीं होगा। अभी थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, जब सर्दी का माहौल आएगा खाने पीने को मिलेगा तो आएंगे। भूखी जगह पे रहना कौन पसंद करेगा, अभी जहाँ खाना मिलेगा भरपेट, जाहिर सी बात है गुरु जी ने बताया जहाँ खाना मिलेगा पेट पूर्ति के हिसाब से तो वहीं पक्षी आना शुरू होंगे, खासकर सर्दियों के मौसम में जब अच्छा वातावरण होता है, लोग ज़्यादा आते हैं पक्षियों को खाना खाने के लिए डालते हैं, पक्षी ज़्यादा आना पसंद करते हैं उस टाइम पे, जाहिर सी बात है। तो अब हम थक गए हैं, घर की तरफ वापस जा रहे हैं, आज का हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, जोखिमों से भरे इस सफ़र में, तो भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वापस घर की तरफ चलते हैं, पैदल चलते चलते हम तो हार गए, थक गए, घर की तरफ चलते हैं। फाइनली यहीं पे अपना मैन वर्सेस वाइल्ड का सफ़र ख़त्म करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आप लोगों से फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जय श्री राम, जय श्री मनाता।